मॉडिफाइड आयलर्स मेथड, ये टू पार्ट्स इसके होंगे मॉडिफाइड आयलर्स मेथड के। एक वही जो आयलर्स मेथड हमने किया है उसको हम कहते हैं प्रेडिक्टर, एक उसमें एक नया फार्मूला आ जाएगा जो जिसको कहा जाएगा कुरेक्टर। तो ये प्रेडिक्टर कुरेक्टर मेथड भी कहते हैं इसको। टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स एफ एक्स वाई, ये उसकी कंडीशन गिवन है वाई एक्स जीरो इक्वल टू वाई जीरो। अब इसको जब इंटीग्रेट करते हैं हम विद इन लिमिट्स एक्स जीरो टू एक्स, तो इससे वैल्यू वाई मिलती है हमें, उसकी ये लिमिट्स हो जाती हैं। राइट साइड पे इसको इंटीग्रेट किया विद द सेम लिमिट्स एक्स जीरो टू एक्स, अब इसकी अपर लिमिट लगाई वाई एक्स बन गया, माइनस लोअर लिमिट लगाई तो वाई एक्स जीरो बन गया। अब ये एक्स जीरो टू एक्स हमने इंटीग्रेट किया, तो इसको वाई एक्स जीरो को हम वाई जीरो लिख लेते हैं। अब इसी तरह से अगर हम इस एक्स को एक्स के प्लस वन डाल दें तो इधर एक्स को भी एक्स के प्लस वन डाल देंगे, ये लिमिट्स हो जाएंगी फिर एक्स जीरो टू एक्स के प्लस वन। अब इस इंटरवल को हम डिवाइड करते हैं एक्स जीरो टू एक्स वन, एक इंटरवल लेते हैं उसमें इंटीग्रेशन करते हैं इस फंक्शन की, फिर एक्स वन से एक्स टू तक इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स टू टू एक्स थ्री इंटीग्रेशन करते हैं, और एंड पे लास्ट एक्स के टू एक्स के प्लस वन इंटीग्रल लेंगे। अब इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये इस पॉइंट पे y की वैल्यू बनती y1, इस पे बनती y0, तो इस y0 को हम राइट पे ले आए और इस इंटीग्रल की वैल्यू y1 माइनस इस पे जो लेंगे वो y0 होगी, फिर इस इंटीग्रल को जब लिखेंगे y2 माइनस y1 लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा, इस इंटीग्रल का इसी तरह से y3 माइनस y2 वो ये लिखे जाएंगे। तो ऐसे लिखते जाएंगे जब हम, तो लास्ट पे इस इंटीग्रल को ऐसे लिखेंगे, बाकी जो ये टर्म्स होंगी ये प्लस माइनस की आएंगी और ये कैंसिल होती जाएंगी, ये कैंसिल होंगी तो लास्ट पे हमारे पास सिर्फ वाई के रह जाएगी और ये इंटीग्रल रह जाएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास वाई के प्लस वन इक्वल टू वाई के प्लस इंटीग्रल एक्स के टू एक्स के प्लस वन एफ एक्स वाई डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन करनी है हमने ट्रेपेजॉइडल रूल से। ट्रेपेजॉइडल रूल में होता है h ओवर टू फंक्शन वैल्यू एट दिस पॉइंट प्लस फंक्शन वैल्यू एट दिस पॉइंट, तो वो ये दोनों फंक्शन वैल्यूज इन पॉइंट्स पे हमने लेके ऐड कर दिया, तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल बनता है। इसको एफ के लिख देते हैं, ये एक्स के वाई के पॉइंट पे है तो एफ के लिख दिया, इसको इसी तरह से एफ के प्लस वन लिख दिया। अब ये हमारा फार्मूला बन गया, ये वही फार्मूला है जो हमने आयलर्स मेथड में किया, वाई के प्लस वन इक्वल टू वाई के प्लस एच बाई टू एफ के प्लस एफ के प्लस वन, ये आयलर्स मेथड वाला फॉर्म है। इसको हम कहते हैं ये प्रेडिक्टर है, ये प्रेडिक्ट करेगा एक सोल्यूशन को, और जो सेकेंड पार्ट है वो इस सोल्यूशन को करेक्ट करेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं मॉडिफाइड आयलर्स मेथड या प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये आपका वही फार्मूला है जो अभी लिखा है हमने, इसको हम कहते हैं प्रेडिक्टर, और इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, ये वो चीजें वही हैं लेकिन इस फॉर्म में लिखा है वाई के प्लस वन जीरो वाई के प्लस एच एफ के, और इसके बाद ये जो प्रेडिक्टर करेक्टर था वाई के प्लस वन वाई के प्लस एच बाई टू एफ के प्लस वन, ये उसमें इस आयलर्स मेथड के अंदर ये नई एक और फार्मूला आ गया जिसको हम करेक्टर कहते हैं, ये उसकी वैल्यू को करेक्ट करेगा। अब चूंकि इसको हम प्रेडिक्टर कह रहे हैं तो इसको वाई वन पी लिख लेते हैं, इसको हम करेक्टर कह रहे हैं तो इसको हम सी के साथ वाई वन सी लिख लेते हैं। ये जब हम एन को जीरो पुट करते हैं तो हमें वाई वन मिलता है,
इधर y0 हो जाता है, इधर x0 y0, और इसको y1p प्रेडिक्टर के लिए हम ले लेंगे। अगला फार्मूला जो है ये वाला, इसमें से y1c बनाएंगे हम, इधर भी n को जीरो पुट कर देंगे। अब यहां फर्क ये होगा कि ये जो प्रेडिक्टर से वैल्यू मिली होगी वो हमने इसमें जाके पुट करनी है। ये जो पहला पार्ट है ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर यहां न्यू पॉइंट यूज हो जाएगा, एफ एक्स वन और वाई वन पी कैलकुलेटेड जो है वो यूज होगा। तो इसी तरह से इसको हम आगे फिर इस वैल्यू को यूज करके एक नया वही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन ये वैल्यू यूज करेंगे यहां जाके, तो एक नया वाई वन सी मिलेगा। ऐसे ही हम वाई वन सी न्यू एक और फाइंड करेंगे। ये हम इसलिए फाइंड करेंगे कि हमारे पास यहाँ जो है आंसर आएगा वो बेटर होता जाएगा, उसको हम स्टॉप उस वक्त करेंगे। अगर हमने थ्री डेसिमल प्लेसेस तक कहा कि जी अगर सेम आंसर आ जाए तो इसको हम स्टॉप करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हमने फोर तक कहा तो फोर तक जब ये आंसर आ गए वहां स्टॉप कर दिया। फिर ये वन वाई वन सी जो है ये हमारा आगे यूज होगा फॉर के इज इक्वल टू वन के लिए, वाई टू पी फाइंड होगा पहले, जैसे ये वाई जीरो पे फाइंड हुआ है, अब ये वाई वन पे फाइंड होगा, इसको हम वाई टू पी कह देंगे। जब ये वाई टू पी फाइंड हो गया तो फिर करेक्टर के अंदर ये वैल्यू यहां जाके लगाएंगे। ये वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी वाई टू सी न्यू फाइंड करने के लिए ये वैल्यू यहां जाके लगाएंगे। तो ऐसे ही इसका फिर जब वो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम बन गए वहां पे स्टॉप करके इसको डिक्लेयर करेंगे, ये वाई टू बन गया हमारा, ये प्रोसेस चलेगा। इसको अप्लाई करते हैं इस प्रॉब्लम पे और फिर आपको जरा क्लियर हो जाएगा ज्यादा बेहतर। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मॉडिफाइड आयलर्स मेथड। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई जीरो इक्वल टू वन, एच इक्वल टू जीरो पॉइंट वन, फाइंड वाई जीरो पॉइंट टू। अब इसमें एक्स जीरो इज जीरो, वाई जीरो इज वन, ये वैल्यूज यहां पे लिख दिए। वाई वन पी हम पहले फाइंड करते हैं, फार्मूला है वाई जीरो प्लस एच एफ एक्स जीरो वाई जीरो, इसकी वैल्यू डालते हैं वन है, एच की वैल्यू डाल देते हैं, एक्स जीरो जीरो है, वाई जीरो वन है, ये दोनों वैल्यूज हम इस फार्मूला में जाके डालते हैं। तो ये जीरो माइनस वन बन गया, जीरो माइनस वन, इसको कैलकुलेट किया हमने तो ये वाई वन पी हमें मिल गया जीरो पॉइंट नाइन। अब इससे वाई वन सी फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला फिर लिखा गया पहले, वाई जीरो प्लस एच बाई टू एफ एक्स जीरो वाई जीरो प्लस एफ एक्स वन वाई वन पी, ये वैल्यू जो फाइंड हुई है उसको यूज करना। वाई जीरो वन एच पॉइंट वन था, ओवर टू किया पॉइंट जीरो फाइव बन गया, माइनस वन इसकी वैल्यू रहनी है और यहां पे वैल्यू चेंज होनी है। यहां एक्स वन हमारा जीरो पॉइंट वन बन चुका है और वाई वन पी यहां से जो फाइंड हुआ है वो आ गया जीरो पॉइंट नाइन। ये फिर हमने उसमें एक्स माइनस वाई वाले फार्मूला में जाके लगा दिया। उसके बाद ये सारा नंबर्स सिंप्लीफाई होके 0.91 बनाते हैं। अब ये वाई वन सी बन गया, अब वाई वन सी न्यू बनाते हैं इसको यूज करते हुए, उसका फार्मूला हो जाएगा वाई जीरो प्लस एच बाई टू एफ एक्स जीरो वाई जीरो, ये वही रहेगा, यहाँ चेंज आएगी एफ एक्स वन वाई वन सी। अब वाई वन सी ये वाली यूज करेंगे यहाँ, यहाँ फिर वैल्यूज डालें, यहाँ फंक्शन एक्स वन तो पॉइंट वन है लेकिन वाई वन सी जो है ये वाली वैल्यू पॉइंट नाइन वन डाली जाएगी। इसको जब डालते हैं तो पॉइंट वन माइनस पॉइंट नाइन वन, ये हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है उससे आएगा। इससे जब वैल्यू हम सिंप्लीफाई करके लेके आते हैं तो वो 0.9095 बनती है। अब ये इसमें और उसमें डिफरेंस आ गया, इसके एक ही डेसिमल प्लेस मैच करती है,
इसका फिर वाई वन सी न्यू फाइंड करते हैं, वाई जीरो प्लस एच बाई टू एफ एक्स जीरो वाई जीरो प्लस एफ एक्स वन वाई वन सी ओल्ड। अब ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया। अब इस वैल्यू को यहां यूज किया जाएगा, उससे जब हम फाइंड करते हैं तो 0.9 कुछ इस तरह से वैल्यू आती है। फिर हम वाई वन सी न्यू फाइंड करेंगे, फिर अगली वैल्यू देखेंगे क्या है। तो जब ये वाई वन सी न्यू दो वैल्यूज इसके इक्वल हमें मिल जानी है, इससे पिछली वैल्यू भी इसके इक्वल आ रही होगी, ये भी इक्वल आ रही होगी, इसको डिक्लेयर कर देंगे हम वाई एट 0.1। ये y1 जो है वो है 0.1 पे y की वैल्यू, उसको हम कहते हैं y1 है। अब y1 आ गया 0.9552। अब हमने फाइंड करना है इसको 0.2 पे, इसका मतलब अगली इटरेशन और करते हैं, अगला पॉइंट और लेंगे, h की वैल्यू 0.1 और ऐड करके 0.2 बनाएंगे। अब ये इस y1 के लिए प्रिडिक्टर बनेगा y2p, इस पॉइंट को यूज करते हुए हमने आगे चलना है। अब इसकी वैल्यू यहां पे y1 की ये लगाएंगे, h 0.1 होगा, यहां x1 भी 0.1 है और y1 ये वाली होगी। तो फार्मूला में जाके यहां जब पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये y2 प्रिडिक्टर मिल जाता है हमें 0.90268। इस प्रिडिक्टर से करेक्टर की तरफ आते हैं Y2C, उसका फार्मूला Y1 प्लस H by 2 FX1 Y1 प्लस FX2 Y2P। अब ये P Y2P वाली ये वैल्यू यहाँ यूज करेंगे, Y1 उसी तरह से वो वैल्यू डाल दी, H की वैल्यू डाली और ये X1 0.1 बन चुका है, Y1 ये था और इसमें 0.2 बन चुका है X2 और Y2P ऊपर हमारे पास आ गया। अब इसकी वैल्यू ये रहेगी और इसकी वैल्यू जब इस ये वैल्यूज डालेंगे हम फंक्शन में उससे हमें ये आंसर मिलेगा, ये वैल्यूज डालेंगे तो ये आंसर मिलेगा। अब इनको सिंप्लीफाई करके जब लिखा है सारे को तो Y2C हमें ये मिल जाता है। अब इसको एक और वाइस टू सी न्यू फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे इसको कितने डेसिमल तक मैच करता है। फिर वाई टू सी न्यू वाई वन प्लस एच बाई टू ये वही रहेगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, यहाँ वैल्यू जो हम यूज करेंगे वो ये वाली होगी। तो इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होनी, इसको लिख दिया ऐसे, सिर्फ इस इन वैल्यू से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे ये नंबर। इनसे जब कैलकुलेट किया तो ये हमें मिलता है 0.8785। ये टू डेसिमल तक तो मैच कर रहा है एग्जैक्टली, आगे जो है वो मैच नहीं किए। तो इसका मतलब एक और हम Y2C न्यू फाइंड करके देखते हैं। अब इसको यूज करेंगे यहाँ, ये वैल्यू सेम रहेगी और ये वैल्यू वो पीछे से आ रही है हमारे पास ये वाली। तो इस सारे को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 0.8785 आ जाता है। इससे पहले भी ये देखें, फोर डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ आके मैच कर गया, आगे डिफरेंट है लेकिन फोर डेसिमल प्लेसेस मैच कर गए। तो इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं Y0.2 या Y2, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। तो ये हमारा है मॉडिफाइड आयलर्स मेथड। अब हम आते हैं हमारा जो अगला मेथड है वो है रंगेकोटा मेथड, आर के मेथड। इसको आर के फोर मेथड भी कहते हैं। द मेथड इज डिराइव्ड फ्रॉम टेलर्स एक्सपेंशन retaining the derivative up to fourth order and just the successive application of the following formula। अब इसका जो आर के मेथड फोर का फार्मूला है वो ये वाला है, उसी तरह जैसे पीछे हम करते हैं
y n plus 1 equal to y n plus 1 by 6 bracket k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. अब ये जो k1, k2, k3, 4 हैं, इनको हम फाइंड करते हैं. इनके फार्मूलाज ये दिए गए हैं. k1 equal to h, f, x, n, y, n. ये पीछे वाले जो काम किया उसी तरह से ये फाइंड होगा. k2 भी इसी तरह फाइंड होगा. h function at x n plus h by 2 के साथ ये नंबर नया बनेगा. इसको पुट करेंगे फंक्शन में. और यहाँ y भी चेंज हो जाएगा. y n plus k1 over 2. यहाँ जो k1 फाइंड हुआ है वो यहाँ यूज करेंगे. k3 के लिए h f x n plus h by 2. ये और ये सेम रहने हैं. लेकिन यहाँ चेंज होना है y में. y n plus k2 over 2. ये वैल्यू कैलकुलेटेड जो है वो यहाँ यूज हो जाएगी. फिर k4 में h ऐसे जाएगा. फंक्शन x n ऐसे होगा. ये अब h by 2 की बजाय h बन जाएगा. और इधर y n plus k3 हो जाएगा. over 2 खत्म हो जाएगा. तो ये चार वैल्यूज हम फाइंड करके इस फार्मूला में पुट करेंगे. हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. एग्जांपल करते हैं इसकी. सॉल्व बाय आर के मेथड. डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई स्केयर. वाई जीरो इक्वल टू जीरो. एच इक्वल टू जीरो पॉइंट टू. फाइंड वाई जीरो पॉइंट फोर. अब एक्स जीरो जीरो है. वाई जीरो जीरो है. और ये k1 k2 फाइंड करते हैं. अब फॉर n इज इक्वल टू जीरो k1 हमारे पास होगा h f x 0 y 0. ये भी वैल्यू जीरो है. और y 0 की वैल्यू भी जीरो है. तो हमारे पास फार्मूला वो जो फंक्शन दिया गया है वो 1 प्लस y स्क्वायर है. तो x का तो इसमें कोई रोल नहीं होगा. y की वैल्यूज डालेंगे हम. y की वैल्यू जीरो डाल देंगे. तो ये 0.2 इंटू 1 ये हमें मिलेगा 0.2. k1 की वैल्यू आगे. अब k2 फाइंड करना है. h f x0 प्लस h by 2 y0 प्लस k1 by 2. k1 आपका ये आ गया. x0 0 है. h की वैल्यू 0.2 है. तो इस जगह पे बन जाएगा 0.1. इस जगह पे बन जाएगा 0.1. अब h 0.2 है. फार्मूला में जब पुट करते हैं 0.2 इंटू 1 प्लस 0.1 स्केयर. ये y की वैल्यू डाल दिया. इसको सिंप्लीफाई किया. ये बना 0.202. अब k3 फाइंड करना है. h ये वाला नंबर तो वही रहना है जो पीछे था. ये नंबर अब चेंज होना है. y0 इज 0 प्लस k2 इज 0.202. ओवर 2 करेंगे तो 0.101 बन जाएगा. अब ये वैल्यूज डालते हैं 1 प्लस y स्क्वायर में. तो ये k3 बना 0.2 इंटू 1 प्लस 0.101 स्क्वायर. इसको जब स्क्वायर किया हमने और इसके साथ मल्टीप्लाई किया ऐड करके तो k3 ये मिल गया. अब k4 फाइंड करना है. k4 के लिए फार्मूला बना h f x 0 प्लस h. ये x 0 0 है. h की वैल्यू 0.2 है. y 0 है 0. k3 की वैल्यू अभी फाइंड हुई है. यहाँ इसको यूज कर लिया. अब उस फार्मूला में पुट किया 1 प्लस y स्क्वायर में. ये 1 प्लस इसको डाल के स्क्वायर कर दिया. मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, k4 ये आ गया. अब ये चारों वैल्यूज आ गई हैं. अब हमारा पहले y1 बनेगा. y1 इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा y0 प्लस 1 बाई 6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4. y0 तो 0 है. 1 बाई 6 ऐसे आ गया. इसकी वैल्यू डाल दी 2 टाइम्स. इसकी वैल्यू डाली 2 टाइम्स. k3 की वैल्यू डाली 2. फिर प्लस k4 कर दिया. ये सारी वैल्यूज डाल दी यहाँ. इनको जब सिंप्लीफाई करके लिखा है तो y1 0.2027074408 इस तरह से मिलता है. अब इसमें से हम 456 डेसिमल तक ले लेंगे. आगे छोड़ सकते हैं. अब आते हैं इसका. नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1. उसके लिए k1 का फार्मूला हो जाएगा h f x1 y1. x1 हमारा 0.2 बन चुका है. y1 हमारा ये बन चुका है.
तो इसको 4 decimal places तक लिया है, 0.2027 तक हम ले लेते हैं। ये वैल्यू यहाँ डाल के स्केयर करते हैं, उसी तरह से ऐड करके 2.2 से मल्टीप्लाई किया, ये K1 आ गया। फिर K2 फाइंड करना है, H 0.2, X1 प्लस H बाई 2, X1 तो 0.2 है, H की वैल्यू 0.2/2, तो ये 0.1 बन गया, 0.1 प्लस 0.2 0.3 हो गया। Y1 जो अभी फाइंड हुआ, K1 ये फाइंड हो गया, इसको यहाँ डाल दिया। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करके फंक्शन में डाला, 1 + y² में यहाँ डाला, उसके बाद K2 को फाइंड कर लिए यहाँ, फिर K3 फाइंड करना है, HF x1 + h/2 y1 + k2/2। ये वैल्यू तो जो ऊपर आई थी यहाँ, वही लिख देंगे हम, सेम फार्मूला। यहाँ वैल्यू जो है, नई वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं, उनको लिख के कैलकुलेट किया, ये दोनों मिलके ये नंबर बना देते हैं। अब ये हम डालेंगे y² जहाँ लिखा हुआ है, 1 + y², तो ये हो जाएगा 1 + 0.312 12² स्केयर खोला, इनको ऐड किया, मल्टीप्लाई करके K3 फाइंड हो गया। K4 की वैल्यू आ गई HF x1 + h, ये 0.2 है, ये भी 0.2 है, तो x की वैल्यू होगी 0.4। y1 फाइंड हो चुका है ऊपर, K3 फाइंड हो चुका है, इनको ऐड करके एक नंबर बनाया। उस नंबर को हमने फिर फार्मूला जो फंक्शन का है उसमें डाला, 1 + y² में 1 + इसका स्केयर कर दिया, और उसके बाद ये सारा नंबर सिंप्लीफाई करके हमारे पास K4 आ गया, 0.23565। अब ये चारों वैल्यूज आ गई हैं, इनको Y2 का फार्मूला बनाते हैं, ऐसे लिखा जाएगा Y1 + 1/6, K1 + 2K2 + 2K3 + K4, और इसमें जब वैल्यूज डालते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 0.4228। अब इसमें Y2 जो है वो 0.4x की वैल्यू पे फाइंड हुआ है, और यही चाहिए था हमें, Y@0.4 = 0.4228, ये आंसर आ गया। तो ये RK मेथड ने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब ये एक एक्सरसाइज दी है जिसमें कुछ प्रॉब्लम दिए हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से चलना है। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, dy/dx 1/2x + y - 1। अब ये एक इंटरवल दिया है 0 to 0.3 और y0 = 1, ये इनिशियल कंडीशन दे दी, एक h की वैल्यू दे दी है 0.1। तो पहले हमारा x0 0 होगा, फिर x1 जो है उसमें 0.1 ऐड करेंगे तो x1 की वैल्यू 0.1 बन जाएगी, x2 की वैल्यू 0.2 बन जाएगी, x3 की वैल्यू 0.3 बन जाएगी। तो x 0.3 तक इसको फाइंड करना है, इसका मतलब है y3 हमने फाइंड करना है, पीछे प्रॉब्लम में y2 तक हमने फाइंड किया था, इसके अंदर y3 तक हम जाएंगे। और फिर वो कहता है कि इस प्रॉब्लम का ये एनालिटिकल सॉल्यूशन है, इस एनालिटिकल सॉल्यूशन से भी अपना आंसर चेक करें। जब आप y1 फाइंड कर लें, वो होगा x = 0.1 पे फाइंड हो चुकी होगी, इसमें भी x को 0.1 डालें और उससे आंसर कंपेयर करें। फिर जो y2 फाइंड होगा वो इसमें x को 0.2 डालें, जो ये लास्ट पे y3 फाइंड होगा वो इसमें x की वैल्यू 0.3 डाल के उनको कंपेयर कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम है जिसमें कंपेयर तो नहीं करना आपने RK मेथड से, ये 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक जाना है आपने, इसमें भी ऐसे ही जाना है, 1.4 तक जाना है, 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 है, इसमें भी 1 था, पहली वैल्यू x0 की वैल्यू 1 होगी, फिर 1.1 बनेगी, 1.2 बनेगी, 1.3, फिर 1.4।
इसी तरह से ये प्रॉब्लम है, इसमें भी ये डेटा दिया हुआ है, ये जीरो पे, फिर 0.2 पे, फिर 0.4 पे, ये y1 y2 दो वैल्यूज यहां से बनानी है। इसी तरह बाकी देखने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक तो एनालिटिकल मेथड से सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये जैसे इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। ये जो पहला प्रॉब्लम था उसी तरह से कि इसमें आर के मेथड से सॉल्यूशन फाइंड होंगे, y1 फाइंड होगा, फिर उसमें एक्स की वैल्यू 0.1 डाल के कंपेयर होगा, फिर y2 फाइंड होगा, उसमें एक्स की वैल्यू 0.2 डाल के इससे कंपेयर होगा, ऐसे ही बाकी वाले हैं। आज ये हमारा लास्ट मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन का है, इतने ही हम काम करेंगे, इसके बाद आपने तैयारी करनी है और मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।